अब ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे सब लोग समझ रहे हैं। मैं तो मुताहिर को अपना भाई समझती हूँ। अब सब लोग गलत समझ रहे हैं। मैं जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। तुम्हें मुझे किसी तरह की वजाहत या दलील देने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरा मान हो मेरी बेटी, और मुझे यकीन है कि तुम मेरा सर झुका नहीं सकती। फातिमा, तुमने अच्छा नहीं किया। अब बेहतर यही होगा कि मेरे बेटे से दूर रहो। पप्पू, आप सब लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी वजाहतें सुनने के लिए नहीं आई हूँ, तुम्हें समझाने आई हूँ। जितना हो सके मुताहिर से दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि मुताहिर और अनिका का तुम्हारी वजह से रिश्ता खराब हो, समझी? कैसी बातें कर रही हो साहिमा, क्या कह रही हो तुम? शफीक भाई, आप तो रहने ही दीजिए, आपके बेजा लाड प्यार इस लड़की को खराब किया। बाबा, जैसे इन लोगों को लग रहा है तो कुछ नहीं है। जानता हूं बेटा, तुम फिक्र ना करो और मत परेशान, ठीक हो जाएगा सब। बैठो बैठो, पानी पिलाऊं तुम्हें? मत परेशान। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। हम बड़ों में तो कभी झगड़ा नहीं हुआ था, और ये बच्चे इस तरह लड़ मर रहे हैं जैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मंसूर, मैं तो खुद परेशान हूं कि किसे समझाऊं और किसे ना समझाऊं। यहां कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अरे आओ शफीक, मैं तुम्ही को बुलवाने वाली थी, आओ बैठो। मैं बैठने नहीं आया भाभी, बैठने हरगिज नहीं आया। मैं सिर्फ एक बात बताने आया हूं कि आइंदा अगर मेरी बेटी के खिलाफ किसी ने कोई भी बात की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो क्या करोगे तुम? मैं वो करूंगा भाईजान जो आज तक मैंने नहीं किया। मैं आपकी तरफ से बरसाए हुए तंस के हर वार को सहता आया हूं, आइंदा भी सहता रहूंगा। लेकिन अब अगर मेरी बेटी के खिलाफ किसी ने कोई बात की है तो मैं उसकी जुबान खींच लूंगा और भूल जाऊंगा कि मेरा उससे क्या रिश्ता है। यहां शोर मचाने से बेहतर है कि अपनी बेटी को समझाओ। क्या समझाऊं उसे, क्या समझाऊं? मेरी बेटी मेरा फख्र है, मेरा मान है, उसकी वजह से मैं सर उठाकर चलता हूं। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जिसकी वजह से मेरा सर झुक जाए। मैं कुछ भी सह सकता हूं, लेकिन अपनी बेटी की बेइज्जती नहीं।